हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है शुरू करते हैं। गुड अजय, आपको तो डिस्प्ले है, मेरे ख्याल से डिस्प्ले नहीं शो हो रही होगी, ये अभी तक शो हो रही थी, अब पता नहीं क्यों। गुड इवनिंग अभिषेक। हाँ जी, 1 मिनट, मैं देख रही हूँ स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, मैं वही कर रही हूँ। एक बार आप मुझे बताना कि अब आपको स्क्रीन जो है शो हो रही है या नहीं हो रही है। अब हो जाएगी आपको स्क्रीन शो, अब सबको विजिबल है ना स्क्रीन। हाँ जी, अब हो जाएगी। ये कभी कभी जो आपका ओबीएस है ना वो काम नहीं करता तो उसकी वजह से ये हो जाता है, बट अब आपको स्क्रीन क्लियर शो हो जाएगी, है ना। तो देखो उस दिन मैंने कितना करवा दिया था आपको, उस दिन मैंने आपको एयर प्रेशर का मीनिंग जो है वो बता दिया था, है ना। लेकिन उससे पहले बेटे एक बात सुनो कि कल आपकी जैसे अब कल भी क्लास नहीं हुई और संडे की भी क्लास अधूरी रह गई, तो कल और अब आपका आज क्या है, आज 26 है, तो 27, 28, 29, 30, इसमें आपकी 3 क्लास होंगी। कैसे? आपकी एक क्लास होगी 12 से 2 बजे और एक क्लास होगी आपकी 6 से 7 बजे, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? मैं मैसेज टाइप कर देती हूँ कि कल से आपकी एक क्लास होगी 12 से 2 बजे और दूसरी क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी आपकी 6 से 7 बजे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है फिर वो पीछे रह जाएगा और हमें अपना जल्दी से क्लाइमेटोलॉजी का जो सिलेबस है वो कवर करना है। अब मैंने आपको एयर प्रेशर तो बता दिया था क्या होता है, और एयर प्रेशर को हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर बोलते हैं, और इस बैरोग्राफ या बैरोमीटर के 3 टाइप है। नहीं बेटे, सितंबर में यूनिट 3 का तो हो जाएगा, पूरा सिलेबस कैसे होगा ना, पूरा सिलेबस तो नहीं होगा। हमारा जो
पेपर से हमारा जो सिलेबस है नोरा सिलेबस, फिर है जो है में मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा, लास्ट में थोड़ा बहुत बच जाएगा, बाकी हमारा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे पूरा अक्टूबर, और हम क्या है एक भी दिन नहीं क्लास को छोड़ेंगे। अगर हमें तीन क्लास भी करनी पड़ गई, मेरे को पड़ गई यानी पड़ गई यानी कि 2 घंटे दो ही क्लास, 2 घंटे की एक क्लास और 1 घंटे की एक क्लास मुझे लेनी पड़ी, तो मैं आपकी वो रेगुलर क्लास ले लूंगी, तब हमारा जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है? तब हमारा अक्टूबर तक हो सकता है। और मैं सर को बोल दूंगी कि सर मेरा थोड़ी सी तबीयत खराब, आवाज नहीं आ रही। बेटे मेरी तरफ से तो अजय आवाज आ रही है मेरे को, जो दूसरे फोन में उसमें आवाज तो सुन रही है मेरे को। कनेक्ट कनेक्शन चेक करो जी, आवाज आ रही है। आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है, नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ से तो जो नेटवर्क है वो बिल्कुल साफ है, और मेरे को जो दूसरे फोन में भी वॉइस आ रही है जिससे मैं कनेक्ट हो रखी हूँ क्लास से, उसमें मेरे को आ रही है सही स्मूथ वॉइस आ रही है। तो मैंने आपको ये बोला है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपकी अगर मुझे अक्टूबर से 3 क्लास भी लेनी पड़ी ना, तो मैं 3 क्लास लेके अक्टूबर पर आप पर सिलेबस है वो कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है? टारगेट के हिसाब से चलते हैं। अब मुझे एक बार ये बात बताओ आप कि सर ने आपको फीडबैक देने को बोला था, आप सब लोगों ने जो फीडबैक है वो सबमिट कर दिया? फीडबैक सबने सबमिट किया? अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था ना, वो चल रहा था प्रेशर ग्रेडियंट, यानी के द दबाव प्रवणता। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटे मेरी तरफ से तो अजय बिल्कुल मेरे को क्लियर वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस मेरे को तो नहीं रुक रुक कर सुन रही। आप एक बार दोबारा से रीज्वाइन करो क्लास को, क्लास को लीव करके दोबारा से रीज्वाइन करो। जल्दी से 2 मिनट में करो रिजॉइन क्लास। हम जो है प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि दाब प्रवणता पढ़ रहे हैं। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है देखो, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट कम है इस होता ना, इसका मतलब होता है आपका एक तरीके से स्लोप लगा लो, ठीक है? तो देख जहां पे आपका हाई प्रेशर होगा और जहां
ठीक है, और जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, मान लो का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, वो है उसके बहुत लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे बहुत जो तो अब आपका जो क्या कहते हैं वो स्लोप बनेगा, वो कैसे बनेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे स्टीप स्लोप बनेगा। तो यही होता है आपका ग्रेडियंट, यानी के ढाल प्रवणता, दबाव प्रवणता या दबाव ढाल भी आप इसको बोल सकते हो। वॉइस क्लियर आ रही है? बताओ एक बार मेरे को, जो वॉइस है वॉइस आपको क्लियर आ रही है बेटे? क्लियर शो हो रही है? जल्दी से बताओ, जो वॉइस है वॉइस आपकी क्लियर है? बताओ अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो बेटे। क्लियर? ओके। थोड़ी सी देर चेक कर लो, अगर फिर भी वॉइस ब्रेक हो के ही आ रही है तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। ठीक है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है? क्लियर है? ओके, पर चलते हैं। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डिक्रीज ऑफ प्रेशर बिटवीन आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू, यानी कि ये कहते हैं कि आपकी ये दो आइसोबार हैं, आइसोबार को लाइन कौन सी लाइन है जो मैप पर समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोला जाता है, आइसोबार लाइंस बोला गया है। जब इन आइसोबार्स के बीच में टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसको बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, आपके दो आइसोबार के बीच में जब प्रेशर में कमी आती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट को हम बैरोमीट्रिक स्लोप भी बोलते हैं। बैरोमीट्रिक स्लोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम प्रेशर को किस से मेजर करते हैं, बैरोमीटर से, इसलिए इसको बैरोमीट्रिक स्लोप भी बोला जाता है। अगर आपकी दो आइसो बार एक दूसरे के पास होंगी, क्लोजली स्पेस का मतलब है अगर उनके बीच में स्पेस कम होगा, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो स्टीप है। ठीक है, वही अगर आपकी आइसो बार दूर दूर है, इसका बात याद रखना, जहां पे आपकी आइसो बार्स, जहां पे आपकी आइसोबार्स पास पास होती है ना, ऐसे जब पास पास होंगी तो इसका मतलब आपके प्रेशर में वेरिएशन ज्यादा है। लेकिन वही अगर आपकी आइसोबार है तो आपके हैं, तो आपके प्रेशर में चेंज नहीं रहा है, यहाँ पे प्रेशर में ज्यादा चेंज हो रहा है। अब प्रेशर में क्यों चेंज होता है, देखो ये आपका है प्लेस ए, प्लेस बी। ठीक है, जब प्लेस ए का टेम्परेचर मान लो 50 हो गया और प्लेस बी का टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, आपका 10 मिली, आपका प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यानी के 90 बार यहाँ पे प्रेशर स्टीप स्लोप बनेगा ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, दो आइसोबार के बीच टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं तो उसको बोला जाता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। और अगर आपकी आइसोबार लाइन पास पास है तो इसका मतलब प्रेशर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है।
ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दो जगह के प्रेशर में। वही अगर आपकी आइसोबार्स दूर दूर है, इसका मतलब आपके प्रेशर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और इस प्रेशर ग्रेडियंट को बैरोमीट्रिक स्लोप भी बोला जाता है। और देखो आपकी जो विंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड है, आपके प्रेशर ग्रेडियंट पे। जितना ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा, इतनी स्पीड से आपकी विंड हाई प्रेशर से लो की तरफ चलेंगी, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से आप प्रेशर का रीजन होता है। और दो जगह के जब प्रेशर में डिफरेंस आता है तो आपका किस में डिफरेंस आता है, जब दो जगह के प्रेशर में डिफरेंस आता है तो आपकी विंड का ओरिजन होता है, और विंड से आपकी वो चीजें बनती है, जैसे आपके टाइड, आपकी सुनामी, आपकी वे समुद्र में जो वेव चलती हैं, या समुद्र में जो ओशियन करंट चलते हैं, विंड की वजह से चलती हैं। ये बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ओशियन करंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ओशियन करंट को आपका विंड तो इफेक्ट करता है, पर ओशियन करंट को प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, प्रेशर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, आपके वायुमंडल के प्रेशर की, पानी के प्रेशर का, पानी के दबाव की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ना पानी के टेम्परेचर की बात हो रही है, आपके यहाँ पे एटमोस्फेयर के प्रेशर की बात हो रही है। आ गया आपको प्रेशर ग्रेडियंट समझ में? इसको प्रेशर ग्रेडियंट को बोलते हैं दबाव प्रवणता, या आप इसको ढाल प्रवणता भी कहते हैं। हिंदी में दबाव प्रवणता को विभिन्न मूल्यों के आइसोबार्स के दबाव में कमी के रूप में परिभाषित किया गया है, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये चलते हैं, और इसको बैरोमेट्रिक दबाव या बैरोमेट्रिक स्लोप भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जब आपकी आइसोबार पास होंगी, निकट दूरी वाली आइसोबार तेज प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। और आपकी जो हवा है, हवा आपकी पृथ्वी पर चलती है ओनली बिकॉज ऑफ दिस दबाव प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही आपकी विंड चलती है, उस अदरवाइज विंड नहीं चल पाएंगी, ठीक है। ये देखो आपकी, ये क्या है आपका, ये आपकी प्रेशर आइसोबार लाइन है, प्रेशर लाइन मत बोलना इनको, कौन सी लाइन है, ये आपकी आइसोबार लाइन है। और हमेशा याद रखना, आपका आइसोबार अंदर से जब बाहर की तरफ जाओगे तो आपका अंदर जो आपका अंदर जो आपका आइसोबार होता है, यानी कि अंदर जो आपका प्रेशर प्रेशर होता, बिल होता, बिल्कुल हाई प्रेशर होता है, और बाहर आपका कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। थोड़ा सा उल्टा बता दिया मैंने, 1 मिनट रुको। अंदर आप प्रेशर है वो लो होता है, और बाहर लो प्रेशर की तरफ चलती है। मान लो यहाँ पे सी है, ये है, तो यहाँ पे 900 है, ये आपको बस दिखाने के लिए कि 200 बार लाइन ऐसी होती हैं। अब आपके प्रेशर के टाइप हैं, आपके प्रेशर के दो टाइप, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। यानी के उच्च दाब और निम्न दाब, प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। ये कहते हैं हाई प्रेशर कब कब आप हाई प्रेशर का दो टाइप है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। हाई प्रेशर कब होता है, जब आपके सेंटर में हाई प्रेशर और बाहर
बाहर की तरफ आपका लो प्रेशर, यानी कि यहाँ आपका 980 और यहाँ आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती है आपकी, यानी कि आपका अंदर से जब रफ आते हो तो आपका जब अंदर से बातों की तरफ आते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है जब आप सर्कल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपका हाई प्रेशर। ये आपकी जो पोजीशन होती है ये एंटी साइक्लोन में होती है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में आपका जो है एंटी साइक्लोन में वैसे ये होता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आपकी विंड चलती है और आपका जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन में क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो की तरफ जो है विंड चलती है, ठीक है, ये होता है। हाई प्रेशर कहाँ होता है, जब आपकी साइक्लोन वाली सिचुएशन, याद रखना कि जब आपकी विंड सेंटर में क्या होता है हाई प्रेशर और आपका हाई से लो प्रेशर की तरफ सारी जो विंड है वो चलती है, और आपका साइक्लोन में ऐसा है, साइक्लोन में जो आपकी विंड है वो प्रेशर साइक्लोन बन जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द हाई प्रेशर इन द सेंटर इज कॉल्ड हाई एंड इज, और जब ये आपका सेंटर में जो हाई प्रेशर होता है इसको हाई प्रेशर बोलते हैं, और इसको एच जो आपका है एच वर्ड से डिनोट करते हैं वेदर मैप में, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं एंटी साइक्लोन सिस्टम। आपके एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में आप सेंटर में हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती हैं, क्या बोला जाता है एंटी साइक्लोन। साइक्लोन कैसी सिचुएशन है, जब आपका बीच में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर करने के लिए ये जो हाई प्रेशर है ये कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में आप साइक्लोन चपटी चक्रवात बनते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम एंड मोर, और ये इस तरीके की जो सिस्टम एंटी साइक्लोन सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, सब ट्रॉपिकल आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है वहां ये प्रैक्टिकली क्या होती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में तो ये होते हैं, लेकिन जो आपका इक्वेटोरियल एरिया होता है ना वहां पे ये हाई प्रेशर वाली बेल्ट एब्सेंट होती है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपका जो इक्वेटर का एरिया है, यानी कि आपका ये इक्वेटर है 0 से 5 डिग्री साइक्लोन बन सकते हैं ना एंटी साइक्लोन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो 0 होता है, और जब तक कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो आपके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को मूवमेंट करवाने के लिए फोर्स नहीं मिलेगा, और यही रीजन है कि आपके 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर आपके ना तो साइक्लोन बनते हैं और ना आपके एंटी साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। आ गया ये समझ में सबको, बताओ बेटे जल्दी से। हाँ अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपका हाई प्रेशर है वो कहाँ मिलता है एंटी साइक्लोन में, क्योंकि एंटी साइक्लोन में क्या होता है आपकी हाई प्रेशर से जब का एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन है उसमें कैसे होता है आपका जो ये लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर से सारी विंडीज हाई रफ आती है, ठीक है, आपकी लो प्रेशर से विंड क्या हो जाती है डाइवर्ज हो जाती है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन वेयर इन विंड ब्लो फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इन क्लॉकवाइज। अच्छा,
अब एक बात और याद रखना, जो आपका एंटी साइक्लोन होता है ना, उसकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूवमेंट कैसी होती है? क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। वही अगर आप साइक्लोन की बात करो ना, तो साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। ये डिफरेंस होता है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे दे रखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होते हैं एंटी साइक्लोन, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। वही आपके साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप जो है सर्कुलेट करते हैं, ठीक है? अब देखो जहां पे भी आपकी साइक्लोन होगी ना, वहां पे कैसी कंडीशन होगी? जहां पर भी आपके एंटी साइक्लोन होंगे वहां पे ड्राई कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि जहां पे अभी आपका एंटी साइक्लोन होता है ना, वहां पे आपकी जो विंड है ना, वो नीचे की तरफ बैठती है। एंटी साइक्लोन में विंड नीचे की तरफ होती है, जबकि साइक्लोन में आपकी विंड ऊपर उठती है, डाइवर्ज हो जाती है। और इसमें क्या होती है, विंड कन्वर्ज होती है। विंड नीचे जब बैठेगी तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम, और इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। इसलिए जहां पे भी आपकी एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन है, वहां पे या तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो एरिया, वहां पे कोई रेनफॉल नहीं होती, नो रेनफॉल। आपका जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट वाले एरिया में यही तो है कि इधर से आपकी पोलर वाली बेल्ट और इधर से आपकी ये ट्रेड विंड, यहाँ पे 30 से 35 वाले एरिया में क्या है, बैठ जाती हैं। और जब 30 से 35 डिग्री के आसपास ये बैठती हैं, तो जब हवा नीचे बैठती है तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। वे डाइवर्ज नहीं होती, कन्वर्ज होने की वजह से वो क्या करती हैं, आपका कन्वर्ज जब होएंगी नीचे जब बैठेंगी, तो इनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हमेशा याद रखना, जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं होती, आपकी बारिश नहीं हो सकती है। लेकिन जो विंड आपकी नीचे बैठेंगी, तो वहां उनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उनकी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही वही आपकी जो विंड ऊपर की तरफ उठती है ना, तो विंड ऊपर की तरफ उठती है, उनका टेम्परेचर तो कम हो जाता है, यानी ठंडी होना शुरू कर देती है, कंडेंस होना शुरू कर देती है, उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होती। ये डिफरेंस समझ में आया? इसीलिए आपके जब साइक्लोन आते हैं तो साइक्लोन की वजह से बारिश होती है, लेकिन एंटी साइक्लोन की वजह से बारिश नहीं होती, क्योंकि एंटी साइक्लोन में हवा नीचे की तरफ बैठ जाती है, वही साइक्लोन में आपकी हवा ऊपर उठती है। आया समझ में? तो जहां पे भी आपके एंटी साइक्लोन होंगी, वहां पे ड्राई वेदर कंडीशन होंगी, ठीक है? एंड हेंस एंटी साइक्लोन्स आर कॉल्ड वेदरलेस फिनोमिना। और इसलिए एंटी साइक्लोन को वेदरलेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना तो कोई रेनफॉल होती, ना कोई आपका स्नोफॉल होता, कुछ नहीं होता, बस ड्राई वेदर हो जाता है, सूख जाता है पूरा एरिया, इसलिए इसको वेदरलेस फिनोमिना कहते हैं। वही आपके साइक्लोन को वेदर फुल फिनोमिना कहते हैं। और ये कहते हैं कि आपका जो हाई प्रेशर है ना, वो थर्मली और डायनेमिकली दोनों तरीके से हो रहा है। अब ये थर्मली और डायनेमिकली क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? बस अभी थर्मली का मतलब होता है जो टेम्परेचर से इफेक्ट होने की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आता है। डायनेमिक का मतलब है कि टेम्परेचर के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से जब हाई प्रेशर होता है, वो होता है डायनेमिक रीजन। यहां तक आया समझ में आपको हाई प्रेशर क्या होता है? अच्छा, अब एक वर्ड आपका यहाँ पोल, या इसको आप बैरोमीट्रिक कोल भी बोल सकते हो, ठीक है? ये देखो ये क्या, ये दो आप हाई प्रेशर सिस्टम इधर इधर, ठीक है? ये बीच में क्या है आपका, दो हाई प्रेशर की एक लो प्रेशर जो सिस्टम बच जाता है। दो हाई प्रेशर सिस्टम के देखो, दो हाई प्रेशर और ये आपके दो लो प्रेशर, इन दो हाई प्रेशर और दो लो प्रेशर के बीच में ये जो एक यूनिफॉर्म एरिया है, इसको बोला जाता है आपका कोल, या बैरोमेट्रिक कोल भी बोलते हैं इसको। ऐसे भी हो सकता है, ये देखो,
ये आपका हाई लो प्रेशर, अरे ये आपका लो प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर और ये आपका हाई प्रेशर, इसके बीच में जाता है आपका बैरोमेट्रिक कोल। आ गया समझ में? बैरोमेट्रिक कोल क्या होता है? अब आपका बात है लो प्रेशर सिस्टम की। लो प्रेशर क्या होता है? जैसे आपका हाई प्रेशर था, ऐसे ही आपका लो प्रेशर है। जब सेंटर में, जब आपके सेंटर में लो प्रेशर होता है, यानी कि आपके हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, यानी कि सेंटर में सिर्फ लो प्रेशर होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब विंड चलना शुरू करते, तो इसको बोला जाता है आपका लो प्रेशर सिस्टम। और इस सिस्टम आपका होता है साइक्लोन में। ये आपकी पहली ही लाइन लिख रखी है कि लो प्रेशर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड लो और सिंपली साइक्लोन भी, याद रखते, या हम इनको डिप्रेशन भी बोलते हैं। ए से, के से ए डिप्रेशन होता है, ये लो होता है और चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ हाई, जैसे वो नहीं खाई, चारों तरफ से ऊंची और बीच में सिर्फ गहरी। तो ये विंड इस लो प्रेशर की दी है, चलती है इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए। अब आपके जो साइक्लोन है ना, साइक्लोन का मैंने बता दिया कि आपके जो साइक्लोन है वो लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, यानी कि आपका अंदर से जब बाहर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बाहर बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। और आपका एंट इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साइक्लोन, साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सुई 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 की घड़ियों के विपरीत, और आपके दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप जो है ये सर्कुलेट करते हैं। मैं साइक्लोन नहीं पढ़ा रही हूं, लेकिन साइक्लोन बनते कैसे हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से ही बनते हैं। एक मिनट रुको, मुझे स्लाइड स्लाइड ऐड करने दो यहाँ पे। अब एक बात समझना, आपका यहाँ पे है ना दो तीन चीजें समझाऊंगी। सबसे पहला मान लो ये है एक प्लेस ए, के है प्लेस बी। प्लेस ए का टेम्परेचर जास जास, प्लेस बी का टेम्परेचर है आपका 10। ठीक है, यहाँ यहाँ का टेम्परेचर क्या क्या है, कम। अब आपका प्रेशर में, और ये यहाँ पे मैं पिक्चर से ज्यादा जो अपने हाथ से बनाती हूँ ना, उस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको अगर मैं हाई प्रेशर की और लो प्रेशर की पिक दिखाऊंगी ना, वो मैं अभी सर्च करके दिखा दूंगी आप, ठीक है आप। लेकिन पहले मैं ये जो कंसेप्ट समझा रही हूँ ना, वो समझो। आपका प्लेस ए का टेम्परेचर ज्यादा है, प्लेस बी का टेम्परेचर कम है, तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। यानी कि आपका जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे प्रेशर हो जाएगा, और जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो, आपकी जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं ना, और वहां पे जब एयर होती है, तो एयर में यहाँ पे एयर कैसी गर्म होगी, गर्म होके हल्की होगी, हल्की होके हवा कैसे उठती है, ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। देखो ऐसे ऊपर उठेगी, और एक पॉइंट पे जाके, अभी ये विंड नहीं है, सिर्फ हवा है। विंड कैसी होते हैं, विंड में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, यानी कि ऐसे। ये कैसी है, ये वर्टिकल मूवमेंट है। ये कैसी है,
वर्टिकल मूवमेंट, यहाँ पे जो एयर थी वो गर्म होके ऐसे ऊपर उठी और एक पॉइंट पे जाके कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो ये नीचे बैठने लगती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जहाँ पे हाई प्रेशर होता है ना वहां पे विंड क्या है, नीचे बैठने लगती है। और फिर आपकी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये तो आपकी एयर में वर्टिकल मूवमेंट है, धुआंधार गर्म पवन थी वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, ठंडी होके नीचे बैठती है। जहां पे हाई प्रेशर जाता है वहां विंड क्या होती है, उतरती है। ठीक है, फिर आपकी जो विंड है वो कैसे चलती है, हमेशा हाई, ये बोला जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि आपकी विंड का ओरिजिन या विंड कैसे चलना शुरू हुई है, ये समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो आप फिर मॉनसून वाला टॉपिक नहीं समझ पाओगे। पहले मुझे ये बताओ, आपको विंड के चलने का सिस्टम समझ में आया कि कैसे टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से एयर में वर्टिकल मूवमेंट होती है? जब आपकी जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे हवा गर्म होके हल्की हो जाती है, हल्की होके वो ऊपर उठती है और एक पॉइंट पर ऊपर जाके वो ठंडी होने लगती है और फिर ठंडी होके वो वापस नीचे बैठती है। और जहाँ पे हवा नीचे बैठती है वहां पे आपका प्रेशर हाई होता है, फिर आपकी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कब शुरू होती है विंड में, विंड एयर विंड कब बनती है, जब विंड सॉरी एयर जब विंड बनती है, जब एयर की वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाए। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब होगी तो वो आपकी विंड कहलाती है। ठीक है, इसलिए आपकी विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बताओ बेटे, ये वाला जो चीज है वो क्लियर हुई आपको? हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला समझ में है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बताओ, नहीं तो मैं दोबारा से भी समझा दूंगी इसको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से भी समझा सकती हूँ इसको। अब दो बात समझो कि आपका हाई प्रेशर की बात हुई है। प्रेशर के दो टाइप है, एक है हाई प्रेशर और एक है लो प्रेशर। नोट्स में रखा है कि हाई प्रेशर को आप एंटी साइक्लोन भी बोल सकते हो और लो प्रेशर को आप साइक्लोन भी बोल सकते हो, ये बोला मैंने। लो प्रेशर कौन सा होता है, देखो लो प्रेशर उसको बोल, सेंटर में आपका लो प्रेशर हो प्रेशर होता है। ठीक है, और हाई प्रेशर कौन सा होता है, हाई प्रेशर होता है आपका जब बाहर की तरफ चलते हैं ना तो आपका लो प्रेशर हो जाता है। ये सेम कंडीशन आपके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में होते हैं, इसलिए साइक्लोन को लो प्रेशर सिस्टम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका साइक्लोन तब बनता है जब बीच में सेंटर में कोई प्लेस है, टेम्परेचर तो क्या होता है ज्यादा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाता है लो, तो
लो प्रेशर को कवर करने के लिए बाहर से हाई प्रेशर से जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं और इस वजह से आपके बनते हैं साइक्लोन, ठीक है। और आपका साइक्लोन की जो ये नर्दन हेमिस्फीयर उत्तरी उत्तरी गोलार्ध है, इसमें सुई की घड़ियों के विपरीत एंटी क्वाइज क्वाइज मूवमेंट करती है, वही दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है। यहाँ पे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। आया आपको किस लिए आपके लो प्रेशर सिस्टम को साइक्लोनिक सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम क्यों बोलते हैं? आया आपको ऐसे ही आपका हाई प्रेशर सिस्टम को एंटी साइक्लोन सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर के और बाहर होता है लो प्रेशर, ठीक है। यानी कि लो प्रेशर से आपकी सारी विंड इस हाई प्रेशर की तरफ आना शुरू कर देते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी साइक्लोन, या एंटी का मतलब है साइक्लोन के अपोजिट जो होता है। साइक्लोन में क्या होता है, बीच में लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर, इसलिए आपके हाई प्रेशर को एंटी साइक्लोन बोला जाता है और यही रीजन है कि आपके साइक्लोन को लो प्रेशर सिस्टम बोला जाता है। हुआ क्लियर अब आपको ये चीज? आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है हाई प्रेशर, किस लिए हाई प्रेशर को एंटी साइक्लोन सिस्टम भी बोलते हैं और किस लिए लो प्रेशर को साइक्लोनिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब यही रीजन यहाँ पे दे रखा है कि प्रेशर का जो दूसरा टाइप है वो है लो प्रेशर, और इसको हम सिंपली लो या आप इसको साइक्लोन या डिप्रेशन भी बोल सकते हो। लो प्रेशर सिस्टम में क्या होता है, बीच में क्या होता है, लो प्रेशर, और इसके जैसे ही आप बाहर की तरफ चलते हैं तो आपका प्रेशर बढ़ता है या जाता है, यानी कि हाई प्रेशर हो जाता है, और आपकी नर्दर्न हेमिस्फेयर में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में हवाएं क्लॉकवाइज, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप चलती हैं, ठीक है। और इनकी जो शेप है लो प्रेशर सिस्टम की, सर्कुलर भी हो सकती है, वी शेप भी हो सकती है, टिकल भी हो सकती है। और अब आपको आगे ये रीजन दिया हुआ है कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड एंड फेरल लो, आपका बताया ना मैंने, कोरियोलिस फोर्स क्या बताता है कि विंड उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाई और ये ऐसे है, उत्तरी गोलार्ध में विंड अपनी दाई यानी कि ऐसे मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाई ओर ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, कोरियोलिस फोर्स या फेरल लो बोलते हैं उसको, कि डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्रॉस आइसोबराइट वेरी लो एंगल, और वही आपका एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका साइक्लोन है या लो प्रेशर सिस्टम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है। ये बातें बेटे आपको समझ में आ गई हैं या नहीं, क्लियर हुई हैं? अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बताओ, यहीं पे क्लियर कर दूंगी मैं। और एक बात और याद रखना, जहां पे आपके साइक्लोन आते हैं इसका मतलब वहां रेनफॉल होगी,
साइक्लोन कैसे मौसम का सूचक, ह्यूम कैसे मौसम का इंडिकेटर है, ड्राई वेदर का यानी कि नो रेनफॉल ओनली ड्रॉट पड़ेगा वहां पे, ये लिख रखा है मैंने कि लो प्रेशर सिस्टम और साइक्लोन आर इंडिकेटिव ऑफ ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड वेदर कंडीशन पे यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा और बारिश होगी, जहाँ पे बारिश होगी, लेकिन आपका जहाँ पे एंटी साइक्लोन होगा वहां पे बारिश होगी होगी वहां पे सूखा पड़ेगा जैसे डेजर्ट। अब आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन मिलते हैं, आपका एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है यानी कि आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल के प्रेशर में अकॉर्डिंग और समय स्थान के अकॉर्डिंग, किसी प्लेस के अकॉर्डिंग, टेम्पोरली का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंस मिलता है, और साथ ही साथ आपके एयर प्रेशर में हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है, वेरिएशन मिलता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो प्रेशर है, प्रेशर को जिस यूनिट में हमने प्रेशर का लिखा जाता है ना, और आपका ये बोला गया जैसे मैंने आपको मीन प्रेशर, मीन टेम्परेचर भी बताया था ना, ऐसे ही आपका मीन प्रेशर कौन सा होता है, जो सी लेवल पे आपका एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हो, दिन का मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय टू, वो आ गया आपका मीन प्रेशर आ गया, उसी को बोला जाता है मीन प्रेशर, सी लेवल पे होता है, वो क्या हो सकता है, वो ज्यादा और कम हो सकता है। और ये कहते हैं कि डेली वेरिएशन जो आते हैं आपके हर दिन, जो आपके प्रेशर में डिफरेंस आते हैं वो कैसे किसकी वजह से कंट्रोल या इफेक्ट होते हैं, वो आपकी हीटिंग यानी कि हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस, एक मिनट रुको, अब यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जो डेली का आपका ये प्रेशर, प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है ये किसके रीजन की वजह से हो रहा है, जिस जैसे आपका ग्राउंड सरफेस गर्म होगा, धरातल जैसे गर्म होगा वैसे ही प्रेशर में डिफरेंस होगा, ये ए प्लेस ये बी प्लेस, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम मिल रहा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो इस किसकी वजह से कुल मिला के आपके प्रेशर में वेरिएशन आ रहे हैं, इस सोलर रेडिएशन की वजह से यानी कि हीटिंग, और हीटिंग कौन कर रहा है, आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर कहाँ से मिल रहा है, इंसोलेशन यानी कि जो सन से एनर्जी आ रही है उससे, इसको बोला जाता है वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब एक मैंने आपको टेम्परेचर में भी लेग ऑफ प्रेशर बताया था, ऐसे ही होता है लेग ऑफ प्रेशर यानी के कभी भी दिन के मैक्सिमम प्रायोरिटी नहीं मिलती है उसको बोला जाता है लैग ऑफ प्रेशर। कहते हैं द डिफरेंस टाइम बिटवीन द अकरेंस ऑफ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन ऑन द लैंड, उसको क्या बोला जाता है आपका प्रेशर लैग, यानी कि दिन का मैक्सिमम, देखो जहां पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहां पे होगा मिनिमम वहां पे आपका मैक्सिमम प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर होगा, तो एक प्रेशर लेग बोला जाता है या लेग ऑफ प्रेशर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब वही बात है कि आपका जो डेली प्रेशर है मैक्सिमम प्रेशर, जैसे आप मैक्सिमम टेम्परेचर कब नोट करते थे, आपका 2 से 4 बजे, तो हम जो डेली का प्रेशर है वो 2 टाइम पे लिया जाता है,
10 AM से 10 PM के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, और मिनिमम प्रेशर रात के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक लिया जाता है, और इसको हम एक तरीके से सेमी ड्यूरनल वेरिएशन भी बोल सकते हैं प्रेशर में। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आपका जो ये डेली वेरिएशन होते हैं ना टेम्परेचर में, वो ज्यादा कहाँ पे होती हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। जो पोलर एरिया होता है ना, वहां पे आपके प्रेशर में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे आपका जो इंसोलेशन है वो क्या है, इंसोलेशन तो वहां पे हमेशा मिलता, क्या मिलता है, कम मिलता है, तो वहां पे हमेशा हाई प्रेशर ही बना रहता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, वहां पे प्रेशर में बहुत ज्यादा वेरिएशन चेंजेस होते रहते हैं। कभी वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कभी यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और ये प्रेशर और लो प्रेशर बहुत सारी बातों पे जो है डिपेंड करते हैं। और जो ये रेगुलरिटी है ना आपकी प्रेशर की वेरिएशन की, ये कहाँ डिस्टर्ब होती है? जहां पे आपकी एटमोस्फेरिक एक्टिविटी होती है, यानी कि आपके रेनफॉल हो गए, कोई साइक्लोन का ठंड का ठंड का थंडर स्टॉर्म आ गया, तो वहां पे आपकी जो ये प्रेशर है ना, ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे आपका सीजन के अकॉर्डिंग भी प्रेशर में वेरिएशन आता है, सीजनल प्रेशर वेरिएशन आर रिलेटेड चेंजेस इन प्रेशर ड्यूरिंग समर एंड विंटर। आप एक बात बताओ, ये है आपका समर और ये है आपका विंटर। विंटर में क्या होगा, टेम्परेचर होगा कम होगा, प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। लैंड पर है ये कंडीशन। अगर ओशियन पार्ट पे बोला जाए, ओशियन पार्ट में विंटर में क्या होगा, ओशियन में विंटर में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, आप क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता और ओशियन पार्ट पे क्या, ओशियन 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 पार्ट पे इनवर्स टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है। ठीक है, ये होता है सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। विंटर में और समर में भी वेरिएशन मिलता है टेम्परेचर में और प्रेशर में, और टेम्परेचर की वजह से ही प्रेशर में वेरिएशन आता है, ये मैंने आपको बताया है। आप देखो, ये कहते हैं कि जो सीजनल प्रेशर वेरिएशन है, इसको हम एनुअल प्रेशर भी बोल सकते हैं। सीजनल प्रेशर कैसे आ रहा है, हम विंटर का और समर का, ये तो यानी कि एक पूरे 12 12 महीने का ही तो डिफरेंस, इसलिए इसको एनुअल प्रेशर भी बोल देते हैं। तो अब ये या कहते हैं कि एयर प्रेशर टोटली किसकी वजह से फंक्शन करता है, आपका हीटिंग यानी कि टेम्परेचर की वजह से, इंसोलेशनल हीटिंग एंड टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कूलिंग, ग्लोबल रीजनल एंड लोकल, एंड देयर इज वास्ट वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग विंटर एंड समर सीजन, हेंस नेचुरल ऑब्जर्व सीजनल वेरिएशन इन एयर प्रेशर। ये कहते हैं कि आपका सीजन में भी आपका जो इंसोलेशन है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। आपका विंटर में जो टेम्परेचर है वो कम मिलता है, समर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा मिल जाता है, इसलिए आपके समर में जो है क्या होता है, समर में आपका टेम्परेचर हाई, यानी कि गर्मियों में आपका तापमान बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे प्रेशर लो होता है, और सर्दियों में प्रेशर हाई होता है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है। ये होता है आपका सीजनल वेरिएशन। ये आप जनरली हर मौसम में ऑब्जर्व कर रहे होगे। गुड इवनिंग सविता, ठीक है। आप देखो बेटे, क्लास को 1 घंटा होने वाला है सविता।
जो आपका इक्वेटोरियल एरिया है ना, वहां पे जो वेरिएशन है सीजनल वेरिएशन टेम्परेचर में बहुत बहुत ज्यादा कम है, यानी कि विंटर और समर के टेम्परेचर में वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सन है वो सारा साल कैसे रहता है, लगभग वर्ल्ड रहती ही रहता है यहाँ पे इक्वेटर, मैंने बताया था आपको। लेकिन आपका जो ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया होता है, यानी कि आपका 23 डिग्री नॉर्थ से 30 साउथ साउथ वाला एरिया और आपका 35 डिग्री वाला एरिया, यहाँ पे जो है प्रेशर में बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन देखने को होता है। बेटे अभी तो चल रही है, अभी तो हमारा थोड़ा सा टॉपिक हुआ है, ज्यादा टॉपिक हुआ ही नहीं है, प्रेशर ही पड़ रहे हैं हम। कल मैंने पहले ही बता दिया है सविता, कल आपकी एक क्लास होगी 12 से 2 बजे और एक क्लास होगी आपकी 6 बजे, ठीक है? तो कल ध्यान से वॉइस दोबारा रीअपियर हो रही है, ऐसा तो नहीं है बहुत देर से क्लास चल रही है बेटे, ऐसा है क्या? वॉइस दोबारा तो मेरे को तो नहीं शो हो रही, सविता किसी और बच्चे को भी वॉइस गूंज रही है क्या क्लास में आवाज? आप एक काम करो सविता, क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो क्लास। अच्छा एक बात और याद रखना कि आपका जो कॉन्टिनेंट का जो साइज है इतना छोटा छोटा वेरिएशन आता है जब आपका कॉन्टिनेंट इतने ज्यादा ज्यादा वेरिएशन ने कॉन्टिनेंट तो उसके इस पार्ट को टेम्परेचर अलग, और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका जो कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट का जो साइज है वो भी अफेक्ट करता है प्रेशर को। अब ये वर्टिकल प्रेशर तो मैंने बताया है कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो आपका प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। एयर प्रेशर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो कम हो जाता है। यहाँ पे रीजन देख लेना, बिकॉज एयर की डेंसिटी हो जाती है कम हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो के साथ हवा की जो डेंसिटी वो कम है, वो कम हो जाती है, और हवा की डेंसिटी कम होने से वजह से आपका प्रेशर कम होता है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था। बताओ जल्दी से, एयर की डेंसिटी क्या होती है? और आपका जो इंसोलेशन का और टेम्परेचर का जो पीडीएफ रहता है ना, वो मैं अपलोड कर दूं बेटा, ठीक है? पहले मुझे ये बताओ कि एयर की डेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया था व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर। ठंडा, सही नहीं आ रही है आपको बेटे? क्या किसी और को भी जो वॉइस है वो गूंज रही है क्या? मेरे को बताओ एक बार, वॉइस गूंज के आ रही है क्या?
अजय, अभिषेक, आप लोग बताओ बेटे, जो वॉइस है वो गूंज रही है, वो रिपीट हो रही है क्या? वॉइस बार बार रिपीट हो रही है मेरी वॉइस। और आप लोग बता नहीं रहे हो एयर की डेंसिटी क्या होती है। बताओ बेटे, आप जल्दी से रिप्लाई दिया करो ना, मैं यहाँ पे वेट करती रहती हूँ आप लोगों का। बेटे कोई जवाब नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्या? ये नहीं मैंने पूछा, मैंने सविता, रुचि, अजय, आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया बेटे? एयर की डेंसिटी क्या होती है? कल आपका ये क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर। पुरानी क्लास चला के देख लेना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर आप नहीं कर पाओगे, कैसे समझोगे टॉपिक को? बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। सुन रहे हैं आप सबको? और कल की क्लास का टाइम मैंने आपको पहले ऑलरेडी इस चैट में सबसे पहले मैंने लिख दिया है, अगर कोई पढ़ेगा तो यहाँ पे मेरा, कि कल से आपकी क्लास 1 बजे होगी, ठीक है? यानी कि आपकी एक क्लास होगी 12 से 2 बजे और एक क्लास होगी 6 से 7 बजे, सबको ज्वाइन करना है, ठीक है? तो अब आपकी पेपर वन की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसको पेपर वन की क्लास लेनी है वो पेपर वन की क्लास ले लो। और हाँ जी, डेली आपका 27, 28, 29, 30, ये 4 के 4 दिन आपकी 3 क्लास रहेंगी, क्योंकि आपका सिलेबस हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया है, दिन क्लास नहीं हो पाई उस वजह से, ठीक है? तो हमें इस महीने में अपनी 4 यूनिट कंप्लीट करनी थी, तो कम से कम हमारी 3 यूनिट तो कंप्लीट हो जाए। और फिर नेक्स्ट मंथ से भी ऐसे ही रहेगा, कभी आपकी 3 क्लास, कभी आपकी 2 क्लास, यानी ऐसा नहीं है कि अलग अलग 3 क्लास, 2 घंटे की एक क्लास होगी फिर 1 घंटे की एक क्लास हो जाएगी। और ऐसा जरूरी है कि पूरा ही आपका 2 घंटे की, 1 घंटे 30 मिनट की, 40 मिनट की, नहीं आज 6 बजे की क्लास नहीं हुई, आज आपकी यही क्लास हुई है, ठीक है? तो बेटे प्लीज कल आप सब लोग क्लास ज्वाइन कर लेना। और आप लोगों को जैसा भी, जो भी फीडबैक देनी है, सर ने बोला है आपको सबमिट करवाना है,
प्लीज आप लोग फीडबैक देना कि आपको कैसे समझ में आता है, ज्योग्राफी का आपको समझ में आ रहा है या नहीं है, या आपकी तरफ से कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो टीचर्स को, जिससे अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करें। जैसे अजय ने बोला कि मैम थोड़े डायग्राम और लगाया करो, तो मैं वो डायग्राम जरूर यूज करूंगी और ज्यादा। ठीक है, और कोई भी सजेशन है तो आप मुझे दो, बाकी का जो भी फीडबैक है क्लास का कि मैम कैसा पढ़ाती है, पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है या नहीं आता है, आपको हेल्पफुल है या नहीं है, ये सब आप सर को जरूर फीडबैक देना। ओके, तो मिलते हैं कल 12 बजे, आपकी क्लास है, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।